आज हम बनाना सीखेंगे चीज़ वाले नमक पारे, और ये नमक पारे हम काफ़ी सरल तरीके से बनाएंगे घर पर। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज नमक पारे बनाना चीज़ फ्लेवर में। इसके लिए मैंने एक बड़ा बाउल लिया है और इसमें मैं डाल दूंगा मैदा। मैदा है यहाँ पर मेरे पास 100 ग्राम, अगर कप से मापते हैं तो एक कप है। और ये मैदा मैंने पहले छान कर ली है, तो आप भी छान कर ही लें। और इसमें डाल दूंगा मैं अजवाइन, अजवाइन है यहाँ पर 1/4 छोटी चम्मच से भी कम, वो मैंने डाल दी है। और अब डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, ये भी है 1/4 छोटी चम्मच। नमक यहाँ पर कम ही डालना है क्योंकि हम यहाँ चीज़ वाला फ्लेवर बना रहे हैं, क्योंकि चीज़ में पहले से नमक होता है। और ये है देसी घी, 1 चम्मच इतना हम डालेंगे। अगर आप चाहें तो रिफाइंड तेल भी डाल सकते हैं। ये घी थोड़ा जमा हुआ है, अगर आप पिघला हुआ ले रहे हैं तो आप 2 चम्मच घी डालिए। तो 1 चम्मच मैंने घी डाल दिया है। और अब डालेंगे चीज़, कद्दूकस करके डालेंगे चीज़। 30 से 40 ग्राम डालेंगे हम। तो देखिए मैं चीज़ को कद्दूकस करके डाल रहा हूँ। चीज़ मैंने कद्दूकस कर लिया, आप देख सकते हैं। अब सारी सामग्री को मिक्स कर लेंगे, एक साथ मिला लेंगे विस्कर की सहायता से। आप चाहें तो स्पून की सहायता से भी मिला सकते हैं। मिला दिया है और अब इसमें डालेंगे दूध। तो मिल्क मैंने लिया है 1/2 छोटा कप, और ये थोड़ा गुनगुना है, आप चाहें तो नॉर्मल से भी लगा सकते हैं। आटा मैं यहाँ गुनगुने दूध से लगा रहा हूँ। अब थोड़ा सा और डाल देते हैं एक बार, और एक सॉफ्ट डो हम तैयार करेंगे। अच्छी तरह से गूंथ लेते हैं। ये देखिए आटा हमने लगाकर तैयार कर लिया है मैदा से, और इसे अब ढककर रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट हो गए हैं और हमारा आटा अच्छी तरह से सेट हो गया है। चेक कर लेते हैं एक बार, ये देखिए इतना सॉफ्ट है। इसे बाउल से बाहर निकाल लेंगे और 1-2 मिनट के लिए और इसे गूंथ लेंगे, इस तरीके से सेट कर लेंगे अच्छी तरह से। और अब इससे लोइयां तोड़ लेते हैं। तो मैं इसे 2 बराबर भागों में बांट दूंगा इस तरीके से। और अब एक को लोई बना लेंगे। लोई बनाने के लिए देखिए मैं पहले थोड़ा सा देसी घी डाल रहा हूँ, 1/4 छोटी चम्मच से भी कम। आप रिफाइंड तेल भी ले सकते हैं। इससे क्या मैं हाथ को चिकना करूँगा, और इस तरीके से एक लोई को लूँगा हाथ में, और इसे इस तरीके से हम गोल करते जाएंगे। देखिए मैं इस तरीके से इसे गोल कर लेता हूँ। लोई हमारी बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं कहीं से भी क्रैक नहीं आया है, एकदम गोल लोई बनाई है हमने। दोनों लोइयों को रख देंगे एक बाउल में, ढककर रख देंगे, और एक लोई लेंगे हम और उसे बेलेंगे बेलन की सहायता से। इससे पहले हम थोड़ा सा रिफाइंड तेल या देसी घी लगा लेंगे, चिकना कर लेंगे अपने चॉपिंग बोर्ड को या फिर जिस चकले पर आप बना रहे हैं, और बेलन को भी, और बेलेंगे गोल गोल बेलन की सहायता से। देखिए मैं इसे गोल गोल बेल रहा हूँ, और किनारे से होता हुआ बेलेंगे और पतला बेलेंगे, जैसे चपाती होती है हमारी उससे भी पतला हम बेलेंगे इसे। आप चाहे तो इसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कितना पतला मैंने बेला है, और बड़ा कर लेते हैं किनारे से और बेल लेते हैं इसे। और अब लेंगे चाकू, उसकी सहायता से हम नमक पारे काटेंगे। तो देखिए इस साइज़ के मैं कट करूँगा। अब छोटे बड़े अपने अनुसार काट सकते हैं, मैं इतने बड़े काट रहा हूँ, एक बीच में से और कट लगा रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप। और छोटे आप कर सकते हैं, स्क्वायर शेप में भी कर सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है, अच्छा गर्म नहीं चाहिए, मीडियम गर्म होना चाहिए। तो तेल तो हमारा गर्म है, चेक कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक छोटी सी मैदा की लोई डाली, वो ऊपर आ गई, तेल हमारा गर्म हो गया है। हम सारे के सारे नमक पारे डाल देंगे, जितने हमारे एक बार में कढ़ाई में आ सकें। अब देखिए गैस की जो स्पीड है वो लो या मीडियम ही रखेंगे हम, हाई नहीं करेंगे। हाई कर देंगे तो एक साथ जल्दी जल्दी सिक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसके लिए हम मीडियम गैस ही रखेंगे। लगातार पलटते रहेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक, हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, आप देख सकते हैं, और इन्हें निकाल लेते हैं बाहर। इस तरीके से रखेंगे जिससे कि जो अतिरिक्त तेल है वो कढ़ाई में निकल जाए। प्लेट में निकाल लेंगे, नैपकिन लगी हुई प्लेट में, जिससे कि जो अतिरिक्त तेल है वो नैपकिन सोख ले। देखिए
बाकी बचे हुए भी हम ऐसे ही डीप फ्राई कर लेंगे। तो ये भी हमारे डीप फ्राई हो गए हैं और इन्हें भी प्लेट में निकाल लेंगे। अब चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। चीज़ी फ्लेवर है, तो देखा कितना आसान था चीज़ी नमक पारे बनाना। अब वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई सवाल है तो आप कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल जरूर दबाना जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।